श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 21 जनवरी 2022 के वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई है। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि अगर बेलपत्री नहीं मिल रही है, उखंडित बेलपत्री साथ में है, तो क्या कटी फटी या टूटी या कीड़ा लगी हुई बेलपत्री को ऐसी दशा में चढ़ाना उचित रहेगा। शिवपुराण कहती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, शिवपुराण की कथा कहती है, आप एक काम कर सकते हैं, शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापस उन पर चढ़ा सकते हैं, पर अगर शिवलिंग पर बेलपत्र ना हो तो ऐसे में क्या खंडित बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपको शिव शंकर का स्मरण करके बीच की और उसके आजू बाजू की दो उंगलियां, मतलब एक साथ तीन उंगलियों को शिवलिंग पर स्पर्श कराना है। शिव शंकर से नमन करके बाबा से निवेदन करिए कि आप इसे बेलपत्ती के रूप में स्वीकार करिए। आपकी इस बेलपत्ती को भोले भंडारी स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार अगर आपके पास शिवलिंग नहीं होता है और आप किसी नदी में स्नान कर रहे होते हैं, तो आप अपने अंगुष्ठ को भी जल अर्पित करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना मानते हैं, उसी प्रकार से आप ऐसा भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।